हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी की नेक्स्ट वीडियो। इससे लास्ट वीडियो में हमने मेंडल्स ने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के साथ, जिसमें उन्होंने एक कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया था, वो था हाइट। एक प्लांट की हाइट कम थी, दूसरे की ज़्यादा। उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और जो वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली वो आपको हमने बताई कि डोमिनेंट और रिसेसिव का जो नॉलेज थी हमें वहीं से मिली। अब मेंडल ने इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए इसी लाइन में एक एक्सपेरिमेंट और करके देखा, जिसको नाम दिया गया मेंडल सेकंड एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने दो कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए, दो करेक्टर अलग थे। एक तो था शेप, दो पी प्लांट जो लिए गए। एक पी प्लांट का बीज राउंड का होता है, कंप्लीट राउंड था, और दूसरे का बीज रिंकल था, उबड़ खाबड़ जिसे आप बोलते। तो एक तो कम्प्लीटली गोल और एक उबड़ खाबड़, पहला डिफरेंस तो शेप का था। और दूसरा डिफरेंस था कलर का, कि एक का बीज येलो कलर का था और दूसरे का बीज ग्रीन कलर का था। तो ये दो कंट्रास्टिंग करेक्टर, शेप और कलर, इन्होंने यहाँ पर लिए और फिर क्या देखा, देखिए बोर्ड पे। उन्होंने एक सीड वाला प्लांट ये लिया, ये सीड को हमने रिप्रेजेंट किया है, जिसको हमने कहा कि ये राउंड है, गोल राउंड है, और साथ में इसका कलर बोल दिया हमने ग्रीन। दूसरा उन्होंने रिंकल शेप का लिया, तो ये था रिंकल येलो। ये दो आपके पास उन्होंने लिए, इनको हम टाइटल दे देते हैं। राउंड को हमने कैपिटल आर रिप्रेजेंट किया, डबल इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, पेयर में आपको पता है 50% कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हम एक आर आगे ले लेंगे। ग्रीन को स्मॉल वाई, रिंकल को स्मॉल आर और येलो को कैपिटल वाई, ये इनकी रिप्रेजेंटेशन थी। दोबारा देख लीजिए, एक सीड लिया जो पूरा गोल था, ग्रीन था, राउंड के लिए डबल आर, ग्रीन के लिए डबल स्मॉल वाई। दूसरा रिंकल येलो लिया, रिंकल के लिए स्मॉल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई। अब देखिए यहां से जो कैरेक्टरिस्टिक आगे आए, जो चीजें निकल के आई, आपको पता है 50-50% आएगा, तो इसका 50% कितना होगा, आर, एक आर आ गया, इसका 50% कितना होगा, एक वाई। यहां से भी 50% आएंगे, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, ठीक है। इन दोनों के 50% से जो नई जनरेशन बनी, जिसको फर्स्ट जनरेशन का नाम दिया गया, उस जनरेशन के पास कैसी क्वालिटी थी, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, इन दोनों के मेल से ये हमारे पास बनी। और इसका जो कलर नोटिस किया गया वो था कि ये राउंड है और साथ में क्या है, येलो, और ये जनरेशन थी F1 जनरेशन। अब यहीं से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, देखो कैपिटल आर राउंड को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल आर रिंकल को रिप्रेजेंट करता है, दोनों गुण उसके अंदर आए, कैपिटल आर भी आया, स्मॉल आर भी आया, लेकिन दिखाई कैसा दिया, राउंड, यानी कि यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है और आर क्या है, रिसेसिव है। ये दोनों मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। ग्रीन का स्मॉल वाई भी आया, येलो का कैपिटल वाई भी इसके अंदर आया, पर रिप्रेजेंट क्या हुआ, येलो, यानी कि कैपिटल वाई यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट नेचर का है। तो आपको याद रखो, गुण दोनों के आए हैं लेकिन राउंड और येलो, कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। फिर मेंडल ने क्या किया है, जो फर्स्ट जनरेशन आई है इसी के ही दो पीस ले लिए। देख लीजिए, एक पीस ये रहा और एक पीस ये रहा, सेल्फ पोलिनेशन करा दिया, ये भी F1 जनरेशन का, ये भी F1 जनरेशन का। जब सेल्फ पोलिनेशन कराया तो जो रिजल्ट आया उनके पास, वो चार तरीके के रिजल्ट थे। एक था राउंड येलो, एक था राउंड ग्रीन, एक था
रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, कितने कितने आए? ये 9, ये 3, ये 3, ये 1, टोटल 16 केसेस आए हमारे पास। एक तरीके से रेशो है ये 9:3:1:1, ये हमारे पास आए। इसको और भी डिटेल में करेंगे, एक बार दोबारा समझ लीजिए। दो अलग अलग करेक्टर लिए थे, एक पीस राउंड था और ग्रीन था। राउंड को डबल आर से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल, ग्रीन को स्मॉल वाई से। एक रिंकल था, येलो था, रिंकल को स्मॉल आर के पेयर से और येलो को कैपिटल वाई के पेयर से। 50 कॉन्ट्रीब्यूशन इसका आया, 50%, यानी कि एक आर एक वाई, एक आर एक वाई, दोनों को मिला दिया। मिलाने पे पहली जनरेशन बनी, तो ये आ गया आपके पास। दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों के गुण आ गए, लेकिन जो शेप आई हुआ है राउंड येलो, इसका मीनिंग है कि यहाँ से कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है और यहाँ से कैपिटल वाई जो है डोमिनेंट है। इसी के ही दो पेयर दे दिए, ये भी आपके पास आर आर वाई वाई है और ये भी आपके पास आर आर वाई वाई है। तो फिर चार रिजल्ट आया, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी, जैसे राउंड ग्रीन भी हो सकता है, राउंड येलो भी, वो भी आ गया आपके पास, रिंकल ग्रीन भी हो सकता है, रिंकल येलो भी, सारी पॉसिबिलिटीज आ गई। कुछ पॉसिबिलिटी ज्यादा नंबर में आई, कुछ बहुत कम नंबर में आई, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या आ गई, सारी आ गई। ये क्यों आई इतनी और कैसे आई, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं इसके बारे में। तो लिखिए मेंडल टू पी प्लांट विथ टू कंट्रास्टिंग करेक्टर विद टू कंट्रास्टिंग करेक्टर। मेंडल ने दो कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए, कौन कौन से? डेट इज वन विद, एक जो लिया वो था आपके पास ग्रीन राउंड सीड, वन विद आर ग्रीन राउंड सीड एंड अनदर वन इज रिंकल्ड येलो सीड। ये दो बीजों के उन्होंने प्लांट लिए। फिर क्या देखा, जो पहली जनरेशन आई वेन F1 जनरेशन, जब पहली जनरेशन हमारे पास ऑप्टेन हुई, वाज ऑप्टेन, कैसा करेक्टर था उनका? राउंड येलो। तो हमने कहा दे हैड राउंड एंड येलो सीड, दे हैड राउंड एंड येलो सीड, उनके पास जैसे बीज थे राउंड और येलो बीज थे। सो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कैपिटल आर यानी कि राउंड और कैपिटल वाई यानी कि येलो जो है वो डोमिनेंट ट्रेड है। सो ही कंक्लूडेड दैट राउंड एंड येलो आर डोमिनेंट ट्रेड्स। ये वो गुण है जो डोमिनेंट है, जिन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और रिंकल और ग्रीन ने अपने आप को इसके अंदर छुपा लिया। फिर उसने क्या किया, F1 जनरेशन को ही सेल्फ क्रॉस किया या फिर पॉलिनेशन किया सेल्फ थर्ड, देन F1 जनरेशन इज टू बी सेल्फ क्रॉस्ड। F1 जनरेशन को ही सेल्फ क्रॉस किया गया टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हमने, ये F2 जनरेशन है, इसके लिए हमने F1 को ही क्या किया, सेल्फ क्रॉस किया
और हमने क्या देखा, ही फाउंड दैट सीड वर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन. ही फाउंड दैट सीड्स वर राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन. सारी शेप जो है उसके अंदर हमें मिल गई. जो रेशो आई फर्स्ट पॉइंट में रख करता हूं, देखिए जो रेशो आपको मिली वो क्या थी, 9331. तो द रेशो ऑफ प्लांट्स विद अबव करेक्टर, द रेशो ऑफ प्लांट्स आर 9:3:3:1. ये हमारे पास रेशो आई आपके पास. और जो F2 जनरेशन थी उसके पास चारों के चारों करेक्टर थे. हम लिख सकते हैं द F2 जनरेशन जो सेकंड जनरेशन आई हमारे पास, ऑल फोर करेक्टर्स आर, सभी करेक्टर जो है वो असोर्टेड का मीनिंग है उसके अंदर डाले जाना, पाए जाना, एंड या फिर असोर्टेड आउट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. इसका मीनिंग ये हुआ कि सारे के सारे गुण सेकंड जनरेशन में पाए गए लेकिन वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट थे. ये नहीं है कि येलो की वजह से ग्रीन आया या रिंकल की वजह से राउंड आया, सब अपने अपने बेस से वहां पर पाए गए. एसोसिएटेड आउट का मीनिंग है अपने आप को उन्होंने एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंट किया. दिस इज नोन एज, इसको लोगों का नाम दिया गया, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट. तीन लो दे दिए मेंडल ने. पहला लो कहता है कि कुछ गुण अपने आप को ज्यादा आगे रिप्रेजेंट करते हैं जिनको उन्होंने डोमिनेंट बोला. दूसरा लो दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि दोनों टाइप के गुण होते हैं, कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं करते, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला गया. तीसरा लो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, इसका मीनिंग है सारे के सारे गुण बॉडी के अंदर होते हैं, कब कौन सा बाहर आएगा, कब कितने अमाउंट में दिखाई देगा, अमाउंट कम होगा या ज्यादा होगा, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट चीज है आपके पास. ये था सेकंड एक्सपेरिमेंट. लेकिन कई बुक्स में और थोड़ा सा डिटेल में है, बच्चे पूछ लेते हैं जी ये 9 क्यों आया, ये 3 क्यों, ये 3 क्यों, ये 1 क्यों. तो इसकी एक टेबल है, हम वो टेबल कर लेते हैं, आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों आया. देख लीजिए, इसको रब करना पड़ रहा है हमें इतना पार. अब देखिए जो रेशो आई वो थी 9331 और इसी के ही दो पेयर आपने लिए हैं. देखो आपने आर आर और वाई वाई, इन्हीं को ही आपस में आपने क्या किया था, क्रॉस किया है. तो एक बार हम जो मैथ्स में करते हैं वैसे, ये दोनों करेक्टर शेप के, ये दोनों करेक्टर कलर के, क्रॉस कर देते हैं दोनों को. तो मैथ्स की मल्टीप्लाई क्या कहती है, एक बार कैपिटल आर की स्मॉल वाई के साथ, एक बार कैपिटल आर की कैपिटल वाई के साथ, एक बार स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक बार स्मॉल आर कैपिटल वाई. ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास निकल के आते हैं, ये चार कॉम्बिनेशन बनते हैं जब आप शेप को कलर से मल्टीप्लाई करते हो. इन्हीं चार कॉम्बिनेशन के बेस पे हम टेबल तैयार करेंगे. देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिख लेता हूँ ताकि आपको इजी रहे. कैपिटल वाले केस को मैंने पहले लिख दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई को, फिर
फिर मैंने लिखा दूसरा कैपिटल आर लेकिन स्मॉल वाई, फिर हमने लिखा स्मॉल आर, सब बोर्ड लिखना पड़ेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार पॉसिबल केस बनते हैं जब आप शेप को कलर के साथ क्रॉस कराते हो। अब इन चार पॉसिबल केस को मैंने ऊपर लिखा और इन चार ही पॉसिबल केस को साइड में लिखना है, आर वाई कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। टेबल हम बनाने जा रहे हैं, आप अपने आप बता दोगे कि कैसे केसेस बन रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई करनी है आपको सिंपल, एक बार इसकी मल्टीप्लाई चारों के साथ, एक बार इसकी चारों के साथ, एक बार इसकी और एक बार इसकी। अब देखो इसकी आर और आर को डबल आर लिखोगे, आर स्क्वायर नहीं करोगे मैथ की तरह, ध्यान रहे पेयर में गुण है, ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है। और कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये चार केसेस बने, इनकी इनके साथ मल्टीप्लाई करने पे देख लो, आर आर स्मॉल, सेम मल्टीप्लाई आपने इधर से करनी है। देखो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसकी मल्टीप्लाई चारों के साथ, ऊपर कैपिटल आर ये स्मॉल आर है लेकिन वाई दोनों के कैपिटल है, ये भी कैपिटल आर ये स्मॉल आर है, इसका वाई कैपिटल इसका स्मॉल, दोनों स्मॉल आर लेकिन वाई कैपिटल, दोनों स्मॉल आर, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल। इसकी में स्मॉल और कैपिटल आर, एक वाई छोटा एक बड़ा, कैपिटल और स्मॉल आर वाई दोनों छोटे, स्मॉल आर एक वाई छोटा एक बड़ा, और ये आ गया स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बनते हैं। अब आपको इनसे कैसे पता चलेगा कि शेप कैसी है, आपको एक चीज बताई थी मैंने यहाँ पे, राउंड डोमिनेंट है और येलो डोमिनेंट है। येलो का मीनिंग है कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर ये दोनों डोमिनेंट गुण है, जिस भी पेयर में एक भी कैपिटल आर आ गया तो उसका मीनिंग है उसकी शेप कैसी होगी, राउंड। एक भी कैपिटल आर आ गया, बेशक साथ में स्मॉल आर हो, क्योंकि स्मॉल आर तो डोमिनेंट आर रिसेसिव है। तो अब पहले ये देखो कौन कौन से पेयर में कैपिटल आर है, इसमें दोनों है, एक भी होगा तो हो जाएगा। देखो इसको भी मैंने लिखा राउंड, इसमें भी है राउंड, इसमें भी है राउंड, इसमें भी है राउंड, यहाँ भी है राउंड, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी है, इन तीनों में नहीं है। जहाँ पे राउंड नहीं है दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो इसका मीनिंग है यहाँ तो कैसी शेप आएगी, फिर रिंकल, रिंकल, रिंकल्ड, रिंकल्ड, ये तो शेप का हो गया। अब आपको क्या बताया था, येलो डोमिनेंट है यानी कि जहां कैपिटल वाई है वहां कलर कैसा आएगा, येलो। एक भी कैपिटल वाई है तो यहां तो दोनों है, ये भी येलो, एक कैपिटल वाई येलो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं YEL, यहां कैपिटल वाई है येल, यहां एक है तो भी येलो, यहां भी येलो, देखो यहां भी येलो, यहां भी येलो, ये दोनों वाई है, यहां नहीं होगा, एक कैपिटल वाई येलो, दोनों स्मॉल है, एक कैपिटल है येलो, दोनों कैपिटल है, ये भी येलो, दोनों एक कैपिटल है, ये भी येलो, यहाँ पे भी एक कैपिटल है, ये भी येलो। अब जो बाकी बच गए जहां पर स्मॉल स्मॉल है दोनों, वहां पे कलर क्या होगा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अब आप देख लेना, आपको ये जो बताए थे मैंने
नाइन केस बताए थे आपको राउंड येलो के, अब गिनो जरा, राउंड येलो वन, राउंड येलो टू, राउंड येलो थ्री, राउंड येलो फोर, राउंड येलो फाइव, और ये ग्रीन है सॉरी छोटे भाई है, राउंड येलो सिक्स, ये सेवन, ये एट और ये नाइन, राउंड येलो के नाइन केस आ गए। उसके बाद राउंड ग्रीन के आपके पास तीन केसेस हैं, ये एक राउंड ग्रीन, दो राउंड ग्रीन, तीन राउंड ग्रीन। तीसरा है रिंकल येलो के तीन केस, ये रहा एक दो तीन, और लास्ट अकेला केस था रिंकल ग्रीन का, वो आपके पास लास्ट है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे कितने के कौन कौन से केसेस बनेंगे, और टोटल केस 16 आए आपके पास, क्योंकि आपने कंट्रास्टिंग करेक्टर दो लिए थे, तो दो के केस में दो दो मिलकर चार हो गए, चार चौक 16, तीन लेते तो फिर ये 27 के करीब पहुंच जाते। ठीक है, तो ये था आपके पास मेंडल का सेकंड एक्सपेरिमेंट, हमने अच्छे से इसको डिटेल में किया है। जनरली यही टेबल आपको बनानी होती है, ये बना के नहीं दिखानी होती, ज़्यादा एक्सप्लेन में आ जाए, ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन आए तो आपको ये बना के दिखानी है, जिसमें आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कैपिटल आर राउंड है और वही डोमिनेंट है, कैपिटल वाई येलो है वही डोमिनेंट है, वो अगर आ गए तो आपको फिर राउंड और येलो ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना होगा।